प्रणाम मैम, भाटिया मैम, सभी प्रिय स्टाफ, बहनों और भाइयों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं रेबीज रोग संबंधी चर्चा के लिए। दुर्भाग्य ये है कि 18वीं शताब्दी में रेबीज के लिए वैक्सीन खोज ली गई और आज तक हम उससे लड़ रहे हैं। सौभाग्य ये है कि आज रेबीज से लड़ने के लिए सब कुछ अपने पास है, दवाएं भी हैं, ट्रेंड पर्सनल्स भी हैं, आप लोगों की जागरूकता भी है। तीसरी बात आती है कि प्रश्न, अगर ये सब कुछ है तो भी हम रेबीज से लड़ क्यों नहीं पा रहे। तो जैसा कि मैम ने कहा, पुनः पुनः हम एक दूसरे को जागरूक करते रहे, एक दूसरे को बताते रहे और हमने बहुत प्रकार के बहाने खोज लिए। जैसे मैम ने बताया कि भूत नहीं भगाना है, हल्दी मिर्चा लहसुन ऐसे काम ना करें, एक्सेप्ट करें। तो मेरी बहुत छोटी सी चर्चा है, मैम ने बहुत कुछ कवर कर लिया है, शायद मेरे लिए थोड़ी सी बातें बची हैं और उसको मैं कोशिश करूंगा। विषाणु जनित बीमारी है। विषाणु शब्द पहले बड़ा टेढ़ा लगता था, कोरोना ने बता दिया है विषाणु क्या होता है। ठीक है, विषाणु के साथ अच्छी और बुरी बातें। बुरी बातें ये कि ये जो इसको ग्रो करने के लिए, इसको फैलने के लिए शरीर चाहिए होगा। ठीक है, अन्यथा अगर शरीर के बाहर है तो ये मर जाएगा। और वही इस विषाणु के साथ भी है कि ये शरीर से बाहर 24 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको गांव में पता चला ये कुत्ता पागल हो गया है और वो कुत्ता कहीं बैठा हुआ तो उसने ढेर सारी लार टपका दी, तो पता लगा आपने उसी आईडी तरह एक गोला बना दिया, दया कुछ तो है, तो इतना भी डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, यदि शरीर में होगा तभी आगे बढ़ेगा और शरीर में होके आगे बढ़ता ही रहेगा, वही हमको रोकना है। अच्छा, एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न होता है कि किन पशुओं के माध्यम से रेबीज फैलता है। तो देखिए, बुकिश इंफॉर्मेशन इसको कहते हैं, किताबी ज्ञान, वो कहता है कि जितने स्तनपायी हैं जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, ऐसे सभी जानवरों से के माध्यम से रेबीज फैलता है। तो हम इंसान भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो ठीक है, हमने जानवर से अलग श्रेणी बना ली कि हम इंसान हैं। तो जैसे जानवर जो भी स्तनपायी हैं उन सभी के माध्यम से रेबीज का संक्रमण आगे हो सकता है। आगे हो सकता है माने एक थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है, अगर वह व्यक्ति या पशु संक्रमित है तभी आगे संक्रमण हो सकता है। ये बहुत समझने वाली बात है और अक्सर यही पे धोखा भी होता है। हम दोनों पहलू की बात करेंगे। तो ये की कार्टून इसको इंटरनेट से मिल गया है, स्तनपायी दिखाने की कोशिश है और इनमें ज्यादातर के बड़े खतरनाक मुंह हैं, यानी कि काटने में बड़े एक्सपर्ट्स हैं। जो मैम ने बताया कि बाइटिंग बिहेवियर, सबके अंदर काटने की आदत नहीं होती। शीप एंड गोट की बात मैम ने की, नहीं काटती है वो, अगर इन्फेक्टेड है तो भी नहीं काटते। तो एक छोटा सा अगला चित्र देखें, ये भयानक मुंह वाले हैं, काटने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, तो इनके काटने से भी रेबीज होगा। ठीक है, कोई आवाज नहीं आ रही, नहीं होगा। अच्छा, क्या कोई ऐसा बैठा है हमारे साथ जिसको कि लग रहा है कि इनके काटने से होगा? डरने घबराने की बात नहीं है, मैं आपसे कम जानता हूं, कुछ है तो बताएं। क्यों? क्योंकि इनको सेलिवरी ग्लैंड्स नहीं। ठीक है जी, आप साथ में कुछ और जोड़ना चाह रहे हैं? स्तनपायी नहीं है। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जहां से शुरुआत की थी, केवल इस चीज की जरूरत है, कुछ और नहीं चाहिए,
केवल इसी चीज की जरूरत है, और जो अतिरिक्त भय है उसको छोड़ देना है। आगे चलते हैं। इसके काटने से इतना प्यारा सा पपी हमारा हो जाएगा, यही धोखा होता है। मैंने तो 10,000 का डॉग खरीदा था, वो ये चाइनीज पग है और बहुत प्रकार की वैरायटी। एक्चुअली मैं क्लिनिक में नहीं हूं, मैं एक्सक्लूसिवली लेबोरेटरी एनिमल वेटनेरियन हो गया हूँ पिछले 20 सालों से, तो क्लिनिक से बहुत दूर हो गया हूँ। तो बहुत प्रकार के इनके स्ट्रेन्स और ब्रीड्स आते हैं। एक बहुत बड़ी गलती हमसे होती है, अपने खुद के पालतू जानवरों के बारे में एक हम भ्रम की स्थिति में होते हैं कि वो मैं तो 500 रुपए किलो वाला फीड खिलाता हूँ, आइसक्रीम उसको बस्किन एंड रॉबिन्सन की खिलाता हूँ, ठीक है, वो तो किसी से मिलता ही नहीं है, वो कहीं आता जाता नहीं है, उसको मैं एसी में रखता हूं रखती हूं। इस भ्रम से भी दूर निकलना है। और दुर्भाग्य ये है, मैम ने ये एपिडेमियोलॉजी पहले ही शेयर कर दी थी, 99% जो डोमेस्टिक केसेस हैं रेबीज के वो डॉग बाइट के थ्रू है। और इसीलिए WHO ने कहा कि 0 डेथ बाइट 2030 ऑफ डॉग बाइट। अच्छा, ये ह्यूमन बाइट का एक कार्टून मुझे मिला, क्या यहां रेबीज हो सकता है? अक्सर बच्चे काट पीट लेते हैं ना दूसरे को। जी, मैं मेरी थोड़ी सी कोशिश वही थी कि ध्यान दें, अगर ह्यूमन भी इन्फेक्टेड है और एक समय के बाद लक्षण आते हैं, इन्फेक्शन होना जो मैंने बताया इनक्यूबेशन पीरियड, और बाद में व्हेन द सिम्टम्स अपीयर यानी कि लक्षणों का आना, तो ट्रांसमिशन तभी होता है जब लक्षण आ जाते हैं। तो ये ह्यूमन के काटने से भी हो सकता है। ये कार्टून के माध्यम में छोटा सा संदेश था मेरा, ये इंटरनेट की पिक्चर है, इसमें थोड़ा सा हम समझते हैं। ऊपर एक डॉग जैसा चेहरा है, नीचे एक फॉक्स जैसा चेहरा है, यानी कि आपके घरेलू कुत्ते को किसी जंगली जानवर ने काटा। पहली बात इस पिक्चर में ये है। दूसरा थोड़ा समझते हैं कि उसने पैर में काट लिया, अगर वो इन्फेक्टेड था और उसके लार में वायरस आ चुका था, अगर वो इन्फेक्टेड था और उसके लार में वायरस आ चुका था तो जहां भी ये काटेगा वहां तो उसने वायरस को डिपॉजिट कर दिया, और वो वायरस सबसे पहले वहां की जो मसल्स हैं, पहले वायरस वहां पे ग्रो करेगा, वहां पे अपनी संख्या बढ़ाएगा। वायरस में बड़ी खतरनाक चीज होती है, आपके सेल के अंदर घुस के और वहां का एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। तुम वो काम करोगे जो मैं कहूंगा, आपके जेनेटिक सिस्टम से प्ले करते हुए अपने साथियों के बच्चे बनाने लगता है। तो पहले आपकी मसल्स में, उसके बाद जो आपके हाथ पैर की नर्व्स होती है इसको पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं। तो इसकी असली जो जगह है वो न्यूरोनल सेल्स हैं, तंत्रिका की जो कोशिकाएं हैं इसका सबसे फेवरेट प्लेस है, ये उसी में, इसको न्यूरोट्रॉपिक बोलते हैं। तो मसल से फिर ये पहुंच जाएगा नर्व में, और नर्व पे पहले पेरिफेरल नर्व्स पे, फिर धीरे धीरे पहुंचेगा आपके ब्रेन तक। और जो बात होती है कि लक्षण दिखने लगे, तो अब वो ब्रेन से आपके सेलेवरी ग्लैंड में आएगा, वो भी नर्व्स के थ्रू। और जब वो सेलेवरी ग्लैंड की तरफ आना शुरू होते हैं, सेलेवरी ग्लैंड में आ जाते हैं, तो आपको क्लिनिकल साइन यानी कि जो हम भौतिक रूप से लक्षण देखते हैं वो चीजें फिर दिखने लगती हैं। और जब तक कि नर्व तक चल रहे, जैसे मैंने बताया कि 5 साल भी कोर्स हो सकता है, तो अंदर अंदर वो ग्रो करके चल रहा है। ये मैम की पिक्चर मैंने चुरा ली। केवल ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे एनिमल से एनिमल में हो रहा है, ऐसे ही एनिमल से ह्यूमन में है, और तीसरी पिक्चर अगर बना दें तो ऐसे ही ह्यूमन से ह्यूमन में। इसका जो बेसिक पैथोलॉजी है, रोग के प्रसार की जो प्रक्रिया है, वो एक जैसी है। हम इसके दूसरे पार्ट में आते हैं। आसपास हमारे एनिमल घूमते रहते हैं, हम सबको सबकी निगाह तो देख नहीं सकते हैं,
और जो हर्षवर्धन सर ने कहा कि पशुओं के भी कुछ अधिकार हैं, तो अगर आप डंडा लेके घूम रहे हैं तो बहुत जल्दी नगर निगम और पुलिस दोनों ही हमारी खबर ले लेंगे। ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। तो ज्यादा जो समझने की बात है कि हम संक्रमित पशु को कैसे पहचाने, और कोई कितना भी एक्सपर्ट हो अदर देन क्लिनिशियंस, जिसने एनिमल के साथ कुछ समय ना बिताया हो तो ये लक्षण एकदम से नहीं पकड़ में आते हैं। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि वो नॉर्मली कैसा बिहेव करते हैं वो जाने, तो जब एबनॉर्मल होंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो वही कुछ बिंदु है जो मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ कि जैसे एक आपका ही कुत्ता है और आप उसको प्यार से बुलाते हैं, आपके पास आ जाता है और आप उसको बुला रहे हो लेकिन आपके कमांड को वो नहीं फॉलो कर रहा है। आप बुला रहे हो, आपकी तरफ वो नहीं आना चाह रहा है, आपसे दूर जा रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है। जबकि कुछ ही दिनों पहले वही कुत्ता था कि आप ऑफिस से आते थे और आपके ऊपर चढ़ के और बिल्कुल चाटना काटना लोटना सब कुछ था। यानी कुछ तो बदला है ना, जरूरी नहीं वो रेबीज है, लेकिन आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कुछ एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसके साथ हम कुछ और चीजों को जोड़ते हैं। कुछ में आप पाएंगे कि डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही, वोमिटिंग एंड डायरिया, और कुछ आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा एकदम शांत हो गए हैं, बिना किसी कारण से अचानक से बहुत ज्यादा शांत हो गए, उनको बड़ी वोमिटिंग सी हो रही है। अगेन ये केवल रेबीज का सिम्टम नहीं है, केवल रेबीज का लक्षण नहीं है, लेकिन हमको एक चेन बनानी है, हम उस चेन की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये मैम ने भी बहुत पिक्यूलर पिक्चर मैम ने रियल वाली रखी थी, ये थोड़ा कार्टून वाला है कि फ्रोदी यानी कि झाग वाला और ढेर सारा सलाइवा। तो सलाइवा ऐसे भी जिन्होंने कुत्ते पाल रखे होंगे, जब वो पेंटिंग करते हैं क्योंकि उनके स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती, तो पेंटिंग करके, पेंटिंग माने हांफना, तो अपनी जीभ बाहर निकाल के तेजी से जब हांफते हैं तो अपने शरीर की जो हीट है, जो गर्मी है, उसको वातावरण में छोड़ते हैं। तो वैसे भी उनको बहुत लार गिरती रहती है, लेकिन जब वो फ्रोथी हो जाए और आपको एबनॉर्मल लगने लगे, तो एक ये और मिला। अगली चीज क्या है, आपको दिखे कि जैसे शुरू में हमने देखा कि वो शांत बैठ गया है, वो भी एक डम फॉर्म होता है, उसका पिक्यूलर लक्षण है। उसी में आगे चल के आप पाएंगे कि उसके कुछ हिस्से में आपको लगेगा कि पैरालाइज हो रहा है, लकवा जैसे कुछ है, अपना पैर ही सट के चल रहा है, उठने बैठने चलने में दिक्कत हो रही है, तो ये रेबीज से जुड़ा हुआ हो सकता है। सीजर, मिर्गी जैसे सिम्टम आपने इंसानों में देखा होगा, इस प्रकार के सिम्टम्स आना भी ये रेबीज की तरफ एक इंडिकेशन करते हैं। और एग्रेसिव हो जाना, वही कुत्ता जो आपसे बड़े प्रेम भाव से मिलता था, वही बिल्ली जो आपसे बड़े प्रेम भाव से मिलती थी, वो अचानक से एग्रेसिव हो गई, या स्ट्रीट पे लेटा हुआ डॉग आप उसके बगल से रोज गुजरते थे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो दौड़ा दौड़ा के लोगों को काट रहा है। तो ये बिहेवियरल चेंज और ये केवल उस वायरस और उस डिजीज के कारण हो रहा है, उसके प्रति आपका ना प्रेम कम हुआ ना उसका आपके प्रति प्रेम कम हुआ है। अन्य बचाव, पालतू पशुओं का नियमित वैक्सीनेशन। अगर आप एक जिम्मेदार ओनर हैं तो ही आप पशु पालिए, और उससे संबंधित जो भी जिम्मेदारियां, जैसे बच्चा होता है पूरी वैक्सीनेशन होते हैं, रेबीज एक वैक्सीन है, पालतू पशुओं में और भी कई बीमारियां होती हैं जो उनको प्रभावित करती हैं, साथ साथ उनके साथ रहने वाले लोगों को प्रभावित करती हैं, जिसके बारे में मैंने जूनोसिस डे पे काफी कुछ हाईलाइट किया था। तो अगर हम पशु पाल रहे हैं तो उनसे संबंधित जो वैक्सीनेशन है वो करें, और नियमित रूप से करें। कोई बहाना नहीं कि ये अंग्रेजों वाला कुत्ता है, ये चाइनीज वाला कुत्ता है, ये महंगा वाला कुत्ता है, सस्ता वाला कुत्ता है, तू तो स्ट्रीट डॉग पकड़ लाया था, तू अपने कर, मैं तो डॉक्टर नेहरू की क्लिनिक आगरा से खरीद के लाया था। डजंट मैटर, प्लीज अगर हमने रखा है तो हमको वैक्सीनेशन करवाना है, क्योंकि मैम ने बहुत बार हाईलाइट किया 100% रोकथाम संभव है, लेकिन अगर हो गया तो 100% मृत्यु है। दूसरी बात,
यथासंभव पालतू पशुओं को जंगली पशुओं से दूर रखें, ये यहाँ भी होता है और तराई क्षेत्र में तो विशेष एक सिल्वेटिक साइकिल होती है, तो वो यहाँ चर्चा का उतना विषय नहीं, इसलिए घर में नहीं जा रहा हूं। जंगली पशुओं से दूर रखें, तो हमारे लिए जंगली पशु क्या है हम थोड़ा उसको समझते हैं। यहाँ पे शेर तो आ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपका पालतू कुत्ता है तो जो आपका स्ट्रीट डॉग है, क्योंकि उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है एज एनिमल, लेकिन उसके वैक्सीनेशन की कोई हिस्ट्री आपके पास नहीं है, तो यदि संभव हो तो आप अपने पेट को उससे अलग रखें, और जब तक वैक्सीनेशन ना हुआ तब तक तो निश्चित रूप से अलग रखें। ठीक है, बहुत बार आप बिल्ली उल्ली बच्चे ले और आप चले आए ऑफिस और बाद में कुत्ते ने उसको जो है दबोच दिया, तो इस पे ध्यान दें। और कोई भी घटना होने पर तुरंत सलाह और उपचार, और विशेषकर इसमें जो भी माता पिता बैठे उनसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम छोटे बच्चों की बातों को बहुत बार इग्नोर कर देते हैं या उनको झिड़क देते हैं, डांट देते हैं, हम कहीं पे बिजी हैं, कोई कारण है, तो वो लेके आया कि आज कुछ ऐसा हुआ, अच्छा वो डर भी रहा है, क्योंकि आप तो पूछोगे कुत्ते के मुंह में उंगली क्यों डाली, है ना, उसको पता है अभी पूरी सीरीज शुरू हो जाएगी, वहां क्यों गए थे, तो क्या किया था, तो उसको मारा था क्या, उसको एक डर है, तो ऑलरेडी डरा हुआ है। इस पे भी अगर उसने इतनी हिम्मत करके आपके सामने बात रखी तो प्लीज उसकी बात सुन लीजिए। वो जो मैम ने कहा 1.5 साल बीतने मत दीजिए, क्योंकि फिर इररिपेरेबल लॉस है, कोई क्षतिपूर्ति नहीं है। और जो हमारे डॉक्टर्स ने कहा या जो आपका क्लिनिक वेटनेरियन है उन्होंने जो कहा, कृपया करके उनकी बात को पूरा मानिए। ये नहीं कि 3 वैक्सीन का पैसा था, 2 वैक्सीन का पैसा नहीं है, चंदा करवा लीजिए, मांग लीजिए, जीवन से ज्यादा कीमती नहीं है। और मैम ने जैसा हाईलाइट किया, मैं एक बिंदु मैं आपके साथ जोड़ना चाहूंगा, इंट्रामस्कुलर के साथ साथ इस इकोनॉमी को देखते हुए इंट्राडर्मल वैक्सीन की भी प्रैक्टिस शुरू की जा रही है, जिसमें जो डोज है वो 1/10 हो जा रही है और इसके बहुत सस्ता पड़ता है। यस, एक सिंगल जो सिस्टर ये था, जो हम एक सिंगल वैक्सीन लगाते हैं उसमें से 10 डोजेस निकल आते हैं। ठीक है, तो ये सारे जहाँ से बिल बलरामपुर सब जगह जहाँ हैवी वॉल्यूम है वहाँ उसको यूज करा जाता है, इट इज वेरी क्रिटिकल। तो कृपया आप लोग पैसे की कीमत के कारण वैक्सीन से ना भागिएगा। ठीक है, अगर आपको खरीदना भी पड़ा तो एक वायल में सिस्टर योगिता आपकी सारी वैक्सीन लगा देंगे, पैसे के कारण मत भागिएगा, जीवन से ज्यादा कीमती ये 300-400 रुपए नहीं है। और मैं अपनी बात यही खत्म करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद।